तो मनीष सिसोदिया की कुछ ही देर में कोर्ट में हो सकती है पेशी। आपको बता दें, दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने से पहले सीबीआई उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया है। राउज एवेन्यू में कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई होने वाली है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की मूवमेंट शुरू हो गई है और वहीं सीबीआई की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पेश होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई स्पेशल जज एम के नागपाल की कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से उनका पक्ष रखने वाले वकील मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल पहुंचे हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद ने कहा, केजरीवाल सिसोदिया इंसान को धोखा दे सकते हैं लेकिन भगवान को नहीं। दिल्ली के लोगों का दुख उनके लिए पाप का कारण बन गया है और इसलिए गिरफ्तारी की ये नौबत आ गई। आपको बता दें कि आपके ऑफिस के बाहर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हो गई है। अब कोर्ट में बेगुनाही साबित करेंगे आप नेता, मनोज तिवारी ने ये कहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी ऑफिस के आने की इजाजत दे दी गई है, पुलिस उन्हें आने दे रही। अब कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ने लगी है, वे ऑफिस के भीतर इकट्ठे होते जा रहे हैं। साथ ही मनीष सिसोदिया का मेडिकल टेस्ट हो चुका है और अब उनकी कुछ ही देर में पेशी होने वाली है।